मेडिसिन से रिलेटेड नए नए जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल झा और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं क्लियर मार्क्स जेल का, और इस जेल के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, इसके यूज एंड साइड इफेक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आपके फेस पे भी डार्क स्पॉट्स या सर्कल्स जैसी समस्या यानी कि दाग धब्बे है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं क्लियर मार्क्स जेल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का मिश्रण किया गया है। कोजिक एसिड, आर्बुटिन, विटामिन सी और विटामिन ई, ये सभी इंग्रेडिएंट्स मौजूद है क्लियर मार्क्स जेल में। फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं क्लियर मार्क्स जेल के यूजेस के बारे में। तो इसका यूज़ डार्क स्पॉट यानी कि काले दाग धब्बे चेहरे पे जो हो जाते हैं उसके लिए, पिंपल्स के होने के वजह से जो दाग रह जाते हैं चेहरे पे काला, या फिर आपको गड्ढे टाइप का हो जाता है, वो सबको ये रिपेयर करने का काम करता है। और इसको मैं बता दूं आपको, बर्न स्कार में भी इसका यूज़ जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। और ये आपके आँखों के नीचे जो सर्कल हो जाते हैं ब्लैक कलर के, उसमें भी इसका जो रिज़ल्ट होता है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है कोजिक एसिड और आर्बुटिन, ये दोनों ही फेस के दाग धब्बे को मिटाने में काफ़ी हद तक मदद करती है। तो फ्रेंड, अब हम आपको बता देते हैं इसके अंदर जो और विटामिन सी और विटामिन ई है, तो इन दोनों का तो मैं स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो विटामिन सी और विटामिन ई का क्या महत्व होता है हमारे स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस जेल के थोड़े साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्योंकि इसमें जो कोजिक एसिड और आर्बुटिन है इसके नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट कभी कभी किसी किसी को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आइए आपको हम बता देते हैं। त्वचा का छिलना, त्वचा पे खुजली या फिर आपको जलन महसूस हो सकती है, तो अगर आपको इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और इस जेल को यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आपको बताते हैं इसके MRP प्राइस के बारे में। तो इसकी MRP प्राइस है 120 रुपये और ये 15 ग्राम के पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है। इसका मार्केटिंग निविका हेल्थ केयर कंपनी करती है। मैं आपको बता दूं कि ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, फिर भी इसकी हम रिजल्ट की बात करें वो काफ़ी अच्छी होती है। तो आइए हम आपको बता देते हैं किन परिस्थिति में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जो त्वचा है वो सुरुचि हुई है त्वचा, तो आप इसका यूज़ ना करें। बच्चों और बुजुर्गों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके त्वचा पे पहले से जख्म या घाव है तो भी आप इस जेल का उपयोग नहीं कीजिएगा। इस जेल की मात्रा आपके आँखों में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इस जेल के उपयोग के बारे में, इस जेल का उपयोग आपको कितने समय करना है। तो इस जेल का उपयोग आप दिन में 2 बार कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर नाइट में आप सोने से पहले इस जेल का उपयोग करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सोने से पहले अपने फेस को अच्छी तरीके से साफ कर ले, उसके बाद आप इस जेल को यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अगर हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है आप उनको शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।